आरटीओ बनकर कर रहे थे बसों से वसूली, पुलिस ने दबोचा। झांसी के मौरानीपुर में फर्जी आरटीओ की टीम को मौरानीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया गया कि ये लोग फर्जी आरटीओ बनकर बसों से उगाही कर रहे थे। बस मालिक को सूचना मिलने के बाद मौरानी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला झांसी जनपद के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने स्विफ्ट कार सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि यह लोग स्विफ्ट कार, जिस पर आरटीओ के विशेष जांच लेकर कार में सवार तीन लोगों को झांसी में से मौरानीपुर के बीच गुजरने वाली बस से रास्ते में रोककर अवैध उगाही कर रहे थे, उसकी सूचना बस के कर्मचारियों ने बस के मालिक को दी, जिसकी सूचना मौरानीपुर कोतवाली प्रभारी को दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मौरानीपुर के रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के पास से स्विफ्ट कार में सवार फर्जी आरटीओ की टीम के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। रवि यादव का हमारे पास फोन आया। क्या नाम है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, क्या घटना हुई है आज? घटना जी हुई है कि जो फर्जी आरटीओ बन के आए, कौन आया? दो तीन लोग थे, तो बस रोक के पैसा उगाने लगे। बोले हम आरटीओ से विशेष से हैं, तो स्टाफ ने लगाया अपने रवि यादव को फ़ोन कि वो चेकिंग वाले हैं आईटीओ साहब, तो पैसा मांग रहे हैं। तो उन्होंने जानकारी करके मुझको फ़ोन लगाया कि आप जाके शिकायत करके, और आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ, मैंने उन्होंने फ़ोन लगाया था। अच्छा, कितने पैसे ले रहे थे? कितना कितना पैसा दिया है जो जितना दे। अच्छा, 1000 2000 जो जितना बसों से उगा रहे थे। हाँ सर, आज पुलिस ने किसी को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है सर, कौन थे ये लोग? आज थाना मौरानीपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हाईवे पर फर्जी आरटीओ बनकर बसों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उक्त जानकारी को प्राप्त होने पर थाने द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को थाने पर पूछताछ हेतु लाया गया है। पूछताछ के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। कितने लोग हैं सर टोटल? अभी पूछताछ हेतु जो संदिग्ध लगे उनमें कुल टोटल संख्या 3 लोग हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।